दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर एक और चुनाव है, हालांकि ये चुनाव आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। इस चुनाव को लेकर आम जनता के बीच कोई प्रचार नहीं होगा, इस चुनाव को लेकर के किसी प्रकार के नेताओं के दौरे नहीं होंगे, लेकिन ये चुनाव राजनीति को दूर तक प्रभावी जरूर करेगा। ये चुनाव है हरियाणा के अंदर एक खाली हुई राज्यसभा की सीट का। आपको बताते चले कि राज्यसभा के सदस्य थे हरियाणा से किशन लाल पंवार। पंवार साहब विधायक चुने गए पानीपत जिले से। पंवार साहब इसराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और अब हरियाणा सरकार के अंदर वजीर हैं। विधायक चुने जाने के बाद पंवार साहब ने इस्तीफा दिया राज्यसभा से। वो चित्र सबको ध्यान होंगे जब देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब को अपना रिज़ाइन दे करके आए थे पंवार साहब। बड़ी सुर्खियों में वो चित्र रहा था और अब उस लोग राज्यसभा की सीट पर, यानी कि जो खाली हुई थी, उसका जो बचा हुआ समय है, पंवार साहब का जो बचा हुआ समय था, उसके लिए हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव होना है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की ना तो चुनाव की डेट जारी की है, ना उसके अंदर चुनाव का कोई शेड्यूल हुआ है, कोई कार्यक्रम तय हुआ है, लेकिन दौड़ जारी है। लोगों के बीच चर्चाओं का दौर जारी है कि आखिर इस राज्यसभा की सीट से कौन से नेता को भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। ये तय है कि इस सीट पर जो सीट खाली होनी है, यहाँ से जो सांसद बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता कोई सदस्य राज्यसभा में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास 48 अपने विधायक हैं और उसको 5 विधायकों का समर्थन और भी मिल जाएगा, 3 निर्दलीय और 2 इंडियन नेशनल लोकदल के। इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन क्यों मिलेगा, अगर आप देखें तो कल मनोहर लाल जी के साथ में पहुंचे हुए थे अभय सिंह चौटाला, अपने बेटे को साथ लेकर के आशीर्वाद दिलवाने अपने बेटे को मनोहर लाल जी का। तो इस लिहाज से मान सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो पक्ष की वोट होंगी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आने वाले दिनों में भी जो चलेगा राजनीति का, उसके अंदर 48 विधायक भाजपा के और 5 विधायक विपक्ष के, 3 निर्दलीय और 2 इंडियन नेशनल लोकदल के, ये हमेशा साथ ही रहा करेंगे। तो जो राज्यसभा की सीट है, इस पर तय है कि भाजपा का जो प्रत्याशी होगा, भाजपा का जो नुमाइंदा होगा, वो चुनाव जीत जाएगा। चर्चा इस बात की है कि आखिर कौन से चेहरे को इस चुनाव में राज्यसभा के लिए भाजपा अपना फेस बनाएगी। मैं आपको बताता चलूं कि जो सीट खाली हुई, ये कृष्णलाल पंवार जी जो दलित नेता हैं, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। एससी कोटे की ये सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं, चर्चाएं हैं कि किसी एससी नेता को ही अब की बार फिर से चेहरा बनाया जाए। हालांकि नेता और भी हैं, और भी कई नाम हैं कि जिन पर राज्यसभा की जो सोच रहे हैं कि उनका भी मौका लग सकता है, उन्हें पार्टी राज्यसभा में भेज सकती है, लेकिन संभावना जो ज़्यादा है वो दलित चेहरे की है। वैसे आपको बताता चलूँ कि जो प्रमुख नाम है राज्यसभा में जाने के लिए, जिनकी चर्चा है और उनके नाम क्यों हैं, वो क्यों जा सकते हैं, ये आपको तकसीम से बताने का प्रयास मैं करूँगा। हरियाणा से जो राज्यसभा की खाली सीट हुई है कृष्णलाल पंवार जी की, जो उनके स्थान पर जो नेता राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं, अगर उसके अंदर हम दलित नेताओं की बात करें तो दलित नेताओं के अंदर नाम आता है डॉक्टर बनवारी लाल का, जो हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। दलित नेताओं के अंदर नाम आता है सत्यप्रकाश जरावता का, जो पटौदी के विधायक थे, हरियाणा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दलित नेताओं का नाम आता है तो बंतो कटारिया का नाम भी आता है और सुनीता दुग्गल का भी आता है। लॉटरी किनकी लग सकती है, आप कुछ अगर देखें तो फिर बंतो कटारिया रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी। रतनलाल कटारिया जी के देहावसान के बाद उनको अम्बाला से 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ हाल ही में, जो उस चुनाव के अंदर बंतो कटारिया कैंडिडेट थी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई। चुनाव तो हार गई लेकिन प्रत्याशी थी, पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अगर बात आ जाती है क्या बंतो कटारिया का नाम जा सकता है, हालांकि बड़ा चेहरा है, महिला भी हैं और दलित चेहरा भी हैं, लेकिन यहाँ दूसरी प्रमुख बात आ जाती है कि क्योंकि उनको लोकसभा सीट, उनको टिकट दी जा चुकी है, भले ही वो चुनाव हार गई थी, इसलिए उनका दावा कुछ कमज़ोर ज़रूर होता है। अगर अगला नाम आता है सुनीता दुग्गल का, तो सुनीता दुग्गल के साथ में एक बात चली जाती है कि सुनीता दुग्गल सांसद थी 2019 से 24 तक, 24 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटा, लेकिन लोकसभा का चुनाव टिकट कटने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना विधानसभा प्रत्याशी बना दिया। रतिया से वो कैंडिडेट थी, हालांकि चुनाव तो हार गई रतिया से,
लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो उनके साथ में हुआ था, पार्टी ने अगर उनका कहीं हक रोका था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो फिर विधानसभा टिकट दे करके वो पूरा भी हो गया। इस लिहाज से सुनीता दुग्गल का दावा भी, दलित नेत्री हैं, बड़ी नेत्री हैं, शिक्षित नेत्री हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए वो दावा इतना पुख्ता नहीं बनता। अगला नाम मैं आपसे कह रहा था, सत्यप्रकाश जरावता, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, पटौदी के विधायक थे, पहली बार विधायक बने 2019 में। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको टिकट दिलाया था, विधायक बन गए थे। विधायक बन करके 2019 से 24 विधायक रहे, मनोहर लाल जी के बहुत क्लोज थे, लेकिन 2024 के चुनाव के अंदर उनका टिकट कट गया बीजेपी का, और टिकट मिल गया जो 2014 की विधायक थी बिमला चौधरी को, राव इंद्रजीत सिंह समर्थक। सत्यप्रकाश जरावता के लिए इसलिए समझा जा सकता है कि क्योंकि उनका विधानसभा का टिकट कटा, तो क्या उनको राज्यसभा में कंसीडर किया जाए। लेकिन यहाँ ये बात जरूर आ जाती है कि सत्यप्रकाश जरावता का अगर मैं पॉलिटिकल ऑरा नापें, पॉलिटिकल कद है, तो फिर वो उतना बड़ा नहीं है। सत्यप्रकाश जरावता यूथ हैं, यूथ चेहरा है, तो उनको हो सकता है कि संगठन में साथ जोड़ करके और अगली जिम्मेदारी हरियाणा के संगठन की रखी जाए। अगला नाम आता है डॉक्टर बनवारी लाल का। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने गए हुए थे, मनोहर लाल जी ने उनके साथ अपना चित्र साझा किया था फेसबुक पर, लिखा था कि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मिलने आए मनोहर लाल से। बनवारी लाल दो बार के विधायक थे, 2014 और 19 दोनों बार विधायक बने थे, 14 में राज्य मंत्री थे, 19 में कैबिनेट रैंक के मंत्री हो गए। डॉक्टर बनवारी लाल का इस चुनाव के अंदर टिकट कट गया था बावल से, और डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट मिला था। डॉक्टर कृष्ण कुमार चुनाव भी जीत गए। बनवारी लाल बड़ा दलित चेहरा है, बड़ा नाम है, और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसके अंदर रचे बसे हैं। विधानसभा चुनाव कटने के एवज में उनका पूर्ति करने के लिए उनका नाम राज्यसभा के लिए चल सकता है, और उनके नाम प्रबल रूप से आगे रह सकता है। जो अगले नामों में अगर बात आए, तो फिर पंजाबी समाज से आते हैं संजय भाटिया, करनाल के सांसद, 2019 से 24 सांसद रहे। 2024 में उनको टिकट कटा, उनका टिकट काट करके टिकट दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल लोकसभा का। बाद में चर्चा थी कि संजय भाटिया को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब चर्चा ये है, क्योंकि संजय भाटिया का त्याग कह सकते हैं, उन्होंने अपना लोकसभा का उनको टिकट नहीं दिया गया, विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काफ़ी नज़दीक हैं, मोदी शाह तक भी उनकी पकड़ है, मनोहर लाल के और नवरत्नों में भी शामिल रहे हैं। पहले उनका नाम जब नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बने, तो उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी था, वो भी नहीं हुआ। इन सभी बातों को देखते हुए चर्चा है कि उनको कंसीडर किया जाए शायद राज्यसभा के लिए। अगर पंजाबी समाज से ही नाम लें, तो फिर दूसरा नाम आता है तरुण भंडारी का। मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी आपके साथ शेयर किया था, तरुण भंडारी पब्लिसिटी का काम देखते थे सरकार का, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बीजेपी के संगठन को आगे बढ़ाने में, बीजेपी के अंदर बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग कराने में अपनी महती भूमिका निभाई। आपको ध्यान होगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सरकार का खेल चला था या बात चली थी, जिस प्रकार वहाँ सरकार डगमगाई थी सुक्खू की, तो उसके अंदर भंडारी के खिलाफ, तरुण भंडारी के खिलाफ FIR तक भी हुई। तरुण भंडारी भाजपा के आला कमान के भी और मनोहर लाल के भी और बाकी नेताओं के भी काफ़ी नज़दीकियों में शामिल माने जाते हैं। इस लिहाज से उनका भी नाम है कि अगर कहीं उनकी CMO में एंट्री ना हो और कहीं उनका कद बढ़ाते हुए तरुण भंडारी को राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है। अगर अगला नाम लें पंजाबी समाज से, तो फिर मनीष ग्रोवर का नाम भी आता है। मनीष ग्रोवर 2014 से 19 तक MLA रहे थे, 19 और 24 का चुनाव विधायक का वो MLA का हार गए रोहतक से। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, भाजपा के अंदर उनकी चाहे मनोहर लाल हैं और चाहे उनका फिर पार्टी आला कमान है, उनकी पकड़ ठीक ठाक है, RSS के पुराने कार्यकर्ता हैं। मनीष ग्रोवर का नाम भी कहीं चल सकता है कि उनको राज्यसभा में ले लिया जाए। अगर अगली बात करें, तो फिर जो लॉबिंग कर रहे हैं वो दलित और पंजाबी समाज के नेताओं के, मैंने आपको नाम बताए, उसके बाद जो नाम आता है, तो फिर आता है वो कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई भी इस चुनाव के अंदर, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़ करके विधायक होते हुए, विधायक होने के बाद में उनको उपचुनाव का टिकट भी मिला, उनके बेटे को भव्य बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई उपचुनाव जीतकर विधायक भी बने,
लेकिन अब 2024 का जो आम चुनाव हुआ इसके अंदर भव्य बिश्नोई भी चुनाव हार गए और कुलदीप बिश्नोई को राजनीतिक झटका लगा। भाजपा के आला नेताओं के बीच में और प्रदेश के नेताओं के बीच में भी ठीक ठाक पकड़ है, इस लिहाज से कुलदीप बिश्नोई भी दौड़ में हैं और दिल्ली दरबार में अपनी पूरी हाजिरी लगा रहे हैं। अगर अगला नाम के आपसे जिक्र करूं तो फिर वो नाम आएगा पंडित मोहनलाल बड़ौली, राई के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक बनाई और सबसे बड़ी मैंडेट मिला, सबसे बड़ी मेजोरिटी मिली नायब और मोहनलाल बड़ौली, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी थी, नायब सिंह मुख्यमंत्री और मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में मोहनलाल बड़ौली ने खुद कहा था कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बावजूद राई विधानसभा जीती भारतीय जनता पार्टी। उसको देखते हुए मोहनलाल बड़ौली का नाम भी चल रहा है राज्यसभा के लिए। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात एक और दोस्तों आ जाती है, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष कोई नया बनना नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नाम मोहनलाल बड़ौली का है और जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में करिश्मा करके दिखाया, उसको देखते हुए भाजपा आलाकमान संभवतः मोहनलाल बड़ौली को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि अभी उनका समय भी कोई कम पूरा समय नहीं हुआ, 3 साल की जो टर्म होती है, अभी तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए मात्र 6 महीने भी नहीं हुए, इस लिहाज से मोहनलाल बड़ौली का नाम, हालांकि राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष का दोनों भी हो सकते हैं, इस पर बात जाएगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा भाजपा के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर निकाय चुनाव हैं, उसको देखते हुए संगठन बेहतरी से काम करे और संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो, इसलिए मोहनलाल बड़ौली का प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहना तो लगता है बिल्कुल तय है। ऐसी स्थिति में क्या उनको राज्यसभा भी भेज जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मैंने आपको जो बताया राज्यसभा के चुनाव के लिए जो लॉबिंग चल रही है, जो नाम चल रहे हैं, उनके अंदर 4 दलित नेता, 3 पंजाबी नेता और इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई और पंडित मोहनलाल बड़ौली, ये सभी नाम आगे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या दलित कोटे से जो सीट खाली हुई वो वापस दलित कोटे को ही देगी और या फिर किसी और समाज में जाएगा? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा कैंडिडेट हो सकते हैं, हमने जो आपको 9 नाम बताए, इनमें से कौन कैंडिडेट हो सकता है और या फिर इनके अलावा कोई और नया चेहरा आ सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।